हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रसाद ट्रैवलर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को विश यू ए हैप्पी रिपब्लिक डे। तो हमारी तरफ से आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये है मेरे छोटे दोस्त, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। जो नाव सांग उमंग तुम्हारा आरव। अच्छा तुम तो आए थे आपने पहले वीडियो में, क्या नाम है तुम्हारा? एकलव्या। अच्छा तुम्हारा नाम? अभी। माय नेम इज योग। और आपका नाम? आरुष। आरुष। तो ये है मेरे सारे छोटे दोस्त जो कि आज रिपब्लिक डे पे सब आए हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ बांद्रा। एक आर्ट एग्जीबिशन है वहाँ पे, जहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है, उसने उसके कुछ पोर्ट्रेट्स जो स्केचेस उसने निकाले हैं वो वहाँ पे एग्जीबिशन के लिए है। तो अभी मैं जाता हूँ वहाँ पे बांद्रा में, और ये आ गए मेरे सारे छोटे दोस्त। तो चलिए अभी मैं जाता हूँ बांद्रा के लिए और मिलता हूँ सीधा वही आपसे। और मेरे जो दोस्त हैं उनको मैं आपको वही मिलाऊँगा, अभी उनका नाम नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है? तो मिलते हैं वहाँ, बाय। हाय वेलकम वंस अगेन। तो अभी मैं निकल चुका हूँ बांद्रा के लिए, अभी बजे दोपहर के 3। तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ से स्टेशन विरार स्टेशन, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट बांद्रा। तो चलिए अभी मैं आपको मिलता हूँ बांद्रा में। और धूप बहुत तेज़ लग रही है आज, ठंडी थी थोड़े दिन, आज तो बिल्कुल नहीं है। बांद्रा पहुँच गया हूँ मैं ऑटो में हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था मैं आया हूँ यहाँ पे बॉम्बे आर्ट कॉलोनी में, और आज है आर्ट कलेक्शन मेरे फ्रेंड का जिसको अभी मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ। तो मिले मेरे फ्रेंड से, मिस्टर मोहित यादव। हेलो, हाय, मेरा नाम मोहित है, मैं मुंबई से हूँ एंड आज मेरा एग्जीबिशन है स्लैश 2020। तो मोहित इसे बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, मैं काफ़ी सालों से, मतलब एक दो साल हो गए मैं मोहित को पहचानता हूँ, और जहाँ पे हम काम कर रहे करते थे एक साथ, तो वहाँ पे भी उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग्स और आर्ट्स बनाए थे। तो अभी मैं थोड़ा सा इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बताइए आर्ट्स के बारे में कुछ। एक्चुअली आर्ट मैंने आई थिंक जनवरी 2018 में स्टार्ट किया था एंड जस्ट एज अ हॉबी, एंड एक्चुअली मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, देन जॉब के बाद टाइम मिलता है तो फिर मैं आर्ट पे फोकस करता हूँ। एंड अगर फोकस करना मैं पूरा मुझे ना आर्ट में खो जाता हूँ, अगर ऑफिस के फ्रस्ट्रेशन अगर निकालना है, किसी का गुस्सा निकालता है, मैं आर्ट पे आर्ट करने के बाद फिर मेरे को ना रिलैक्स एंड है ना सुकून फील होता है। और आई थिंक मैं मोस्टली मैंने पोर्ट्रेट स्केचेस किए एंड जस्ट एक्रेलिक कलर मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया करना। तो मैंने अभी अंदर देखे है कलेक्शन मोहित के, और बहुत सारे आर्टिस्ट के कलेक्शन से बहुत अच्छे है, और फ्यूचर में मैं मोहित को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, ऐसे ही वो अपना फ्यूचर ब्राइट करे आर्ट्स के इसमें। और कलेक्शन देख के बहुत मुझे अच्छा लगा मोहित, थैंक यू। और टाइम नहीं था, नहीं तो मैं जल्दी आ जाता था, थोड़ी टाइम की कमी की वजह से नहीं आ पाया। इवन आज लास्ट डे एग्जीबिशन का एंड आई थिंक 6:30 से हमें पैकअप भी करना है, ऑलमोस्ट अभी कुछ 5 o'clock होने आए हैं। 5 o'clock हो गए, यस। तो एंड 3 दिन तक इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, 3 दिन तक लोगों नए नए लोगों से मिलना, नए नए आर्ट वर्क के बारे में जानना, नए मेथड्स जानना, नए काम करने का तरीके जानना। आई थिंक ऑल ओवर इंडिया से लोग आए यहाँ पे एग्जीबिशंस में, कुछ मुंबई से, कुछ पूछे पुणे, कोलकाता, छत्तीसगढ़, आई थिंक और भी ऑल ओवर इंडिया से लोग आए यहाँ पे एग्जीबिशन, सबने पार्टिसिपेट किया आई थिंक, है ना? तो ये है हमारे मोहित यादव, और फ्यूचर में भी इनके रहेंगे आर्ट एग्जीबिशन तो हम ज़रूर आएंगे यहाँ पे। और नीचे में डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मोहित यादव पेंसिल कलेक्शन, और फेसबुक पे भी आप मुझे मेरा पेज लाइक कर सकते हो, और इनका स्केचेस जो आर्ट है वो, और हाँ अगर आपको पोर्ट्रेट बनाना तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छे बनाते हैं, मुझे भी इन्होंने बना के दी थी पोर्ट्रेट। और अगर आपको कुछ इनसे ड्राइंग करवाना है या इनके कुछ आपको अच्छे लगते हैं आर्ट्स, तो आप इनसे परचेज भी कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, आप इनको कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट मोहित, थैंक यू। ऐसे ही आप सक्सेसफुल होते रहिए, और बस हम मिलते रहेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे मोहित यादव, और चलिए अभी हम आपको इनका आर्ट कलेक्शन दिखाते हैं।
फ्रेंड्स, तो अभी मैं आर्ट एग्जीबिशन से घर पे आ चुका हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 7:30। तो आर्ट एग्जीबिशन बहुत ही बढ़िया हुआ, बहुत ही औसम हुआ। जितने भी सारे आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, तो सारों के पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट, स्केचेस बहुत ही बढ़िया थे। अगर आपने वीडियो देखा है तो मुझे अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ स्केच, पेंटिंग या पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मोहित का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का। आप वहाँ पे जाके उनको जो भी आपको बनाना है वो आप बना के ले सकते हो उनसे। मोहित भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। और स्प्लैश 2020 ये जो इवेंट है, ये ऑर्गेनाइज़ किया था द आर्ट हब इन्होंने, और बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। लास्ट ईयर भी इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, पर तभी मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। मैंने गया था वहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक किए थे, शूटिंग नहीं किया था वहाँ पर। और आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी और इवेंट ऑर्गेनाइज़ हो और मुझे वहाँ जाने का मौका मिले। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।